हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आरक्षण के बंटवारे को मंजूरी दे दी है। कोटे के भीतर कोटा यानी उपवर्गीकरण को लेकर बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी वादे को कैबिनेट की पहली ही बैठक में पूरा कर दिया, क्योंकि दलितों को बांटकर चुनाव जीतने वाली बीजेपी का एजेंडा पूरा हो रहा है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में हरियाणा में दलितों को आपस में बांटने वाले फैसले पर मुहर लगा दी। हरियाणा सरकार ने शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले आरक्षण को दो हिस्सों में बांट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू कर दिया गया। हरियाणा में अनुसूचित जाति को कुल 20% आरक्षण मिलता है, अब इसे 20% को 10-10 के हिस्से में बांट दिया है, यानी 10% शेड्यूल कास्ट में डिप्राइव्ड सेक्शन को मिलेगी, जो DSC जिसको कहते हैं उसको मिलेगा, और 10% OSC यानी अदर शेड्यूल कास्ट को मिलेगा। ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है, जो SC में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हरियाणा की DSC और OSC की लिस्ट में कौन कौन सी जाति शामिल है वो भी आपको जान लेना चाहिए। अन्य अनुसूचित जाति यानी OSC में चमार, रैगर, रायगर, रामदासी, रविदासी, बलई, बटाई, मोची और जाटव जाति को शामिल किया गया है। वहीं DSC यानी वंचित अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, धानक, ओड़, बाजीगर, मजहबी और मजहबी सिख के अलावा 36 अन्य जातियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी इन जातियों में आरक्षण को आधा आधा बांट दिया गया। नायब सिंह सैनी ने चुनाव से ठीक पहले ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो आरक्षण का बंटवारा कर देंगे, और अब उन्होंने उस चुनावी वादे पर मुहर लगा दी। हालांकि ये फैसला दलितों को आपस में बांटने और आरक्षण पर हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है। बसपा अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने इस फैसले की कड़ी आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है। बहन जी ने ट्विटर पर लिखा, हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा SC समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण के कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने व उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। ये दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से भी ये साबित है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के लिए षड्यंत्र में लगी है, जो घोर अनुचित व BSP इसकी घोर विरोधी है। वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा SC ST व OBC समाज में फूट डालो, राज करो व इनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का नाम ही BSP है। इन वर्गों को संगठित व एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। फूट डालो, राज करो, बीजेपी का यह फॉर्मूला हरियाणा में चल गया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार भी बन गई और अब यही फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी लागू किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने का ऐलान हो चुका है, क्योंकि वहां भी अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। चुनावी नफे नुकसान को देखते हुए बीजेपी आरक्षण में बंटवारे के एजेंडे पर लंबे समय से काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में खुद PM मोदी ने माला और मदिगा समुदाय के बीच चल रहे विवाद में आग में घी डालते हुए मन से ऐलान किया था कि वो सत्ता में आए तो आरक्षण में बंटवारा जरूर करेंगे। मेरे परिवारजनों, मैं आज बहुत बहुत भावुक हूं। आप कल्पना करिए, कृष्णा ने 30 साल अपनी जवानी पूरी खपा दी, इतना बड़ा आंदोलन अविरत रूप से चलाया। कृष्णा मेरा छोटा भाई है। आज से इस आंदोलन में कृष्णा मेरा नेता है, मैं उसका असिस्टेंट हूं और मैं आपके लिए पूरे दायित्व के साथ इस न्याय की लड़ाई में साथ रहूंगा। आप सभी यहां आए, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबका फिर एक बार धन्यवाद करता हूं। और इस आंदोलन में मैं नेता
कृष्णा है, मैं कृष्णा का साथी हूं और मैं कृष्णा के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा हूं। सिकंदराबाद की इस रैली में पीएम मोदी ने मादिका को कोटे में कोटा देने की बात कही थी और अब वो अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ वो बांटो राज करो की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ क्रीमी लेयर पर दलितों को लॉलीपॉप देने की कोशिश भी उन्होंने की थी। पिछले दिनों मोदी सरकार ने कहा था कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, लेकिन वर्गीकरण पर सरकार ने चुप्पी साध ली थी। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। आई विल टेक सम क्वेश्चंस, ऑलरेडी इट इज 9:50। आप प्रशांत प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। सर सबसे पहला सर आखिरी में जो आपने बात कही सर, एक क्रीमी लेयर का मसला है, दूसरा सब कैटेगराइजेशन का भी मसला है सर, आरक्षण के भीतर आरक्षण का, क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई कैबिनेट में और क्या फैसला हुआ? जितनी चर्चा हुई मैंने उतना बताया। यानी बीजेपी सरकार ने दोनों हाथों में लड्डू रख लिए, क्रीमी लेयर पर बयान देकर दलितों के गुस्से को शांत भी कर दिया और उप वर्गीकरण को लागू करके कुछ दलित जातियों का वोट भी हासिल कर लिया। हरियाणा में कोटे के भीतर कोटा लागू होने के बाद कुछ जातियां इसका खुले दिल से स्वागत कर रही हैं। सोशल मीडिया पर दिवाली मनाने के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इन जातियों को लगता है कि अब उनकी जाति के सभी लोगों को अच्छी नौकरी मिलेगी और उनकी जाति के लोग बड़े अफसर बन सकेंगे, लेकिन क्या ऐसा सोचना सही है? आंकड़े क्या कहते हैं? हरियाणा की समय अनुमानित आबादी करीब 3 करोड़ है, लेकिन हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की संख्या महज 2,85,000 है, यानी करीब 100 लोगों पर एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है। अगर इस संख्या के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो 2,85,000 जो कुल नौकरियां हैं उसका 10% हुआ 28,500, यानी डीएससी समाज के हिस्से आई सिर्फ 28,500 नौकरियां। ये तो अनुमानित नंबर है, हकीकत में तो डीएससी को और भी कम नौकरी मिलेंगी, क्योंकि हरियाणा में बहुत ज्यादा वैकेंसी है ही नहीं, लेकिन इतनी सी नौकरियों के लिए समाज को आपस में बांट दिया गया और एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा दिया गया। बात तो ये होनी चाहिए थी कि सवर्णों ने सबका हक क्यों खा लिया, क्यों सारी सरकारी नौकरियों पर चंद जातियों का कब्जा है, सारे संसाधनों पर उनकी कब्जा हो रखा है। लेकिन अब बात हो रही है डीएससी और ओएससी की, यानी जिन्होंने सब कुछ खा लिया, सब कुछ हजम कर लिया, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, लेकिन जिसके इससे एकाद निवाला आ गया उस पर सबसे ज्यादा पेट भरने का आरोप मढ़ दिया गया। एससी एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण का मतलब है एससी एसटी को आपस में बांटना, ताकि वंचित जातियां अपना हकाधिकार के लिए कभी एकजुट होकर संघर्ष न कर पाए। बीजेपी सरकार का ये फैसला फूट डालो राज करो की नीति जैसा ही प्रतीत होता है। क्या सवर्ण जातियों में भी चंद जातियां अन्य सवर्ण जातियों से ज्यादा काबिज नहीं हैं? क्या वो उनका हक नहीं खा रही? तो सुप्रीम कोर्ट या फिर बीजेपी की सरकारें सवर्ण जातियों के भीतर वर्गीकरण क्यों नहीं करती? बैंजी ने तो हरियाणा की रैली में ये भी कह दिया था कि उपवर्गीकरण के जरिए सीटों को एनएफएस करके जनरल कैटेगरी के लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया, अब होगा क्या कि एससी एसटी का जो आरक्षण है इसको वर्गीकृत कर दिया, इसको बांट दिया,
कि जो एससी एसटी में इसको दो तीन हिस्सों में बांट दिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मान लीजिए जो जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है और उनमें से जो लोग इसके योग्य नहीं हैं, तो उन्हीं वर्गों में से आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब ये वर्गीकरण करके ये लोग क्या करेंगे कि जो योग्य नहीं होंगे तो उनको पहले एससी में ही जो मजबूत जातियां थी उनको मिल जाता था, अब ये धीरे से चुपके से अब ये करेंगे क्या, सामान्य वर्गों के लोगों को उनका ये आरक्षण दे देंगे। और ये जो व्यवस्था की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की है, तो इस व्यवस्था में सेंटर की ओर से, सेंटर में किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकारी वकील उधर खड़ा हुआ, उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, कहा कि हम सहमत हैं इससे। आरक्षण में बंटवारा और क्रीमी लेयर की बहस आखिरकार आरक्षण के खात्मे की वजह बनेगी। कुछ सालों बाद कह दिया जाएगा कि इन जातियों ने आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, इसलिए अब इन जातियों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। और फिर ये भी कह दिया जाएगा कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर होना चाहिए, और मुमकिन है कि सभी तरह के आरक्षण खत्म कर सिर्फ गरीबी के आधार पर आरक्षण को ही लागू किया जाए और उसका सबसे ज्यादा फायदा सवर्णों को ही होगा, जैसे ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा फायदा वही उठा रहे हैं। ये एक बड़ी साजिश है, लेकिन फिर भी कुछ दलित जातियों को लग रहा है कि उनके भले के लिए हो रहा है। अब इस फैसले से कितना भला होगा आने वाले कुछ वक्त में पता चल जाएगा, जब भर्तियां होंगी, हरियाणा में भर्तियां निकलेंगी, उसमें कितनी आपको जॉब मिलती है, कितने आपके समाज के IAS IPS अफसर बनते हैं, वो आपके सामने ही आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथियों, इस पूरे मसले पर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।